एसीएसटी के विरोध में, जहां बुधवार को शहर के सभी दुकानदारों द्वारा अपने प्रतिष्ठान बंद कर विरोध जताया गया, वहीं दूसरी ओर अधिवक्ताओं ने भी सारे कामकाज छोड़कर भारत बंद में अपना समर्थन दिया। सहयोग किया है, इसके लिए सबका बहुत बहुत आभारी। हम लोग तो गांव से के रहने वाले हैं, मगर हम लोग आके यहाँ बंद में सब सहयोग करने में सबकी सफलता मिली है, उसके लिए हम सबका बहुत धन्यवाद। एसटी विरोध में आप लोगों के द्वारा क्या रणनीति बनाई, शांतिपूर्ण ढंग से आप कर रहे हैं कि इसका विरोध प्रज्वलित कर? नहीं, हम लोग जो भी कार्य करेंगे वो शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे, क्योंकि इसमें सभी वर्गों का सहयोग मिल रहा है, इसलिए अशांति की कोई जरूरत नहीं। लोगों के द्वारा स्वेच्छा से बंद रखा गया है, हम लोगों के द्वारा कोई जबरदस्ती नहीं की गई है, जिसमें मेडिकल और अस्पतालों में बंद का कोई भी हम लोगों की तरफ से कोई आह्वान नहीं था। हम लोग का ये था कि मेडिकल और हॉस्पिटल खुले, उसके अलावा सभी लोग स्वाभाविक रूप से बंद करें। ये जो भारत बंद का निर्णय लिया गया है वो किसी एक वर्ग का नहीं है, पूरे भारत के हित का है, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय दिया गया था, अन्य फैसलों में तो राजनीतिक दल बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य है, बटर के जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसको निरस्त करते हुए जिन सरकारों ने राजनीतिक दलों ने हम सभी को भ्रमित किया है वोट की राजनीति करने के लिए, इसीलिए सभी लोगों ने मिलकर यह बंद किया है। आगे की रणनीति हम लोग शांतिपूर्वक करना चाहते हैं, इस देश में कोई भी ऐसा वातावरण पैदा नहीं करना चाहते ताकि हमारे देश की प्रभुता और अखंडता को कोई खतरा हो। और बांदकपुर में भी युवाओं ने प्रदर्शन कर विरोध दर्ज किया, वही पुलिस व्यवस्था की कड़ी सुरक्षा एवं पुख्ता इंतजाम होने के कारण बंद शांतिपूर्ण रहा और सभी दुकानदार बंधुओं द्वारा स्वयं की स्वेच्छा से अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। भारत बंद को लेकर भी पुलिस व्यवस्था चौकस रही एवं मुख्य स्थानों पर पुलिस बल तैनात रहा। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने भी शांति कायम करने में प्रशासन का सहयोग किया, जिसमें मनोज देवरिया, आशीष राजोरिया, विकास अग्रवाल, शंकर गौतम, राजन असाटी सहित प्रशासनिक अधिकारियों में अपर कलेक्टर आनंद कोप्रिया, राघवेंद्र चौक से एवं पुलिस प्रशासन से सीएसपी आलोक कुमार शर्मा, कोतवाली टीआई अरविंद सिंह दांगी, राजेंद्र मिश्रा, विनोद अवस्थी, मनीष गंधर्व, राजकुमार आदि मौजूद रहे। नगर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा और नगर में शांतिपूर्ण माहौल रहा। दमोह से मनीष साहू की रिपोर्ट, SCN न्यूज़ इंडिया।